से लगता है कहीं आग लग गई है। जी हाँ दोस्तों, कर्सन स्ट्रीट में आग लग गई है। आइए आपको वहाँ के नज़ारे दिखा। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मुंबई के चर्चगेट स्टेशन पर हैं और यहाँ से हम मुंबई के साउथ कोर्ट की तरफ जाएंगे जहाँ पर फैशन स्ट्रीट की मार्केट है। आइए दोस्तों अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, मुंबई फैशन स्ट्रीट ऑनलाइन और मॉल के शॉपिंग करने के इस ज़माने में हम और आप फैशन स्ट्रीट में शॉपिंग करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जहां हम और आप दिल खोल कर शॉपिंग कर सकते हैं, वह भी कम कीमतों में। जी हां दोस्तों, यहां तकरीबन 500 रुपये की वस्तु आप 200 से 250 रुपये में ख़रीद सकते हैं और शॉपिंग मॉल में इसकी कीमत तकरीबन 1000 रुपये तक हो सकती है। जी हां दोस्तों, 1000 रुपये। फैशन स्ट्रीट, जी हां दोस्तों, इस नाम से ही आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहां आपको फैशन से जुड़ी हर एक चीज़ मिल जाएगी। आपको यहां बड़े से बड़े ब्रांड के भी चीज़ें सस्ते दामों में मिल जाएंगी। इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट, हर एक वस्तु आपको यहां वाजिब दाम में मिलेगी। इसका एक ही मंत्र है, आपको बार्गेनिंग करने आना चाहिए। जी हां दोस्तों, बार्गेनिंग यानी मोल भाव। कोई भी वस्तु यहां पर अगर सामने दुकानदार 500 रुपये में कहता है तो आप अपने हिसाब से बोली लगाइए। जैसे 200 से शुरू कीजिए और 300 के अंदर ही उसे खरीदिए। दोस्तों, यहां पर आप जीन्स, टी शर्ट, टॉप, लेडीज़ ड्रेस, लेडीज़ टॉप, पंजाबी ड्रेस, पर्स, बेल्ट, जूते, कोट, फैशन से जुड़ी हर एक चीज़ खरीद सकते हैं। आपको हर एक चीज़ यहां पर मिलेगी। यह मार्केट तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा है। यहां पर तकरीबन 2000 से अधिक दुकानें हैं। फैशन स्ट्रीट की एनुअल इनकम यानी 2000 दुकानों की साल की कमाई तकरीबन 5000 करोड़ रुपया है। जी हां दोस्तों, 5000 करोड़ रुपया। आ रही है, लगता है आगे कुछ प्रॉब्लम हो गया है। आइए देखते हैं आगे। फैशन स्ट्रीट में आग लग गई है। आइए आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। फैशन स्ट्रीट में अभी क्या चल रहा है? तकरीबन 20 से 22 दुकानों में आग लगी है। ये आग कैसे लगी अब तक इसका पता नहीं चल पाया है। आग दोस्तों बहुत ही भयंकर लगी हुई है। अभी तक कोई भी अग्निशामक दल आया नहीं है। यहीं से लोग पानी ले लेके डाल रहे हैं और अपने सामानों को वहां से उठा उठा कर पहले से ही एक कोने में जाकर रख रहे हैं। दोस्तों, एक बुरी बात यह भी है कि यहाँ पर चोरी चपाटे भी लोग बहुत कर रहे हैं। लोग सामान उठा उठा कर चुरा चुरा कर भी लेके जा रहे हैं। दोस्तों, आग को अच्छा या बुरा कहा नहीं जा सकता। चूल्हे में लगी आग
खाना पकाती है और पेट में लगी आग को शांत करती है। लेकिन वही आग जब घरों में लग जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। आग ठंड में राहत देती है तो गर्मी में उतना ही दुख देती है। आग का अपना एक गुण है जो कभी नहीं बदलता, पर समय और वक्त के अनुसार ये सुख और दुख देती है। हम आशा करते हैं कि फैशन स्ट्रीट की ये आग भी अभी बुझ जाएगी। दोस्तों, किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है, मंजर ही हादसे का अजीबो गरीब था, वो आग से जल गया जो नदी के करीब था। आग का क्या है, पल दो पल में लग जाती है, पर दोस्तों उसको बुझाने में